हाय फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। ये देखिए, आज मैं बात करने वाली हूँ पुदीना कैसे लगाते हैं और कौन सी मिट्टी डालते हैं, किस तरह से उसका ख्याल रखते हैं। सो शुरुआत कैसे करते हैं ये मैं आज बताऊंगी आपको। ये देखिए, इसमें स्प्राउटिंग आ गई। ये देखिए, ये रूट दिख रही है आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है देखिए, कितनी स्प्राउटिंग आ रही है, ग्रीन ग्रीन कलर की। इसमें एक पत्ता मैंने नहीं छोड़ा था। ये देखिए, ये न्यू शूट आ रही है। सो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो फ्रेंड्स लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और वो बेल आइकन को दबाना मत भूलिए प्लीज़। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये गमले में जो मैं लगाने वाली हूँ, इसमें ये देखिए होल है, नीचे दिख रहा है आपको, होल है, और होल में मैंने ये रख दिया है। ये ठिकड़ी है, ये सुराई क्या टूटा हुआ है मेरी, तो ये आपके पास भी अगर सुराई टूटे तो आप फेंकिए मत उसको, क्योंकि हर चीज़ काम में आती है। आप गार्डनिंग एरिया में रख लीजिए उसको, हर चीज़ काम में आती है। सो मैं फेंकती नहीं हूँ और रख लेती हूँ टूटी तो। तो देखिए, ये मैंने इसको कवर कर दिया है। अब मैं ये मिट्टी फ्रेंड्स देख रहे हैं आप, ये मैंने आधी कंपोस्ट डाली है, आधी गार्डन सॉइल है, और आधा मैंने ये मिला लिया है, क्या बोलते हैं इसको, ये चावल का धान जो रहता है ना, वो तीनों मिक्सचर कमाल का काम करता है, क्योंकि वेल्ड्रेन सॉइल बनाता है ये। और रेत भी मैंने डाली है, एक हिस्सा रेत डाली है, एक हिस्सा मिट्टी डाली है, और एक हिस्सा कंपोस्ट डाली है, एक हिस्सा चावल का धान का छिलका। ठीक है फ्रेंड्स, सो ये मैंने मिक्सर बना के रखा है। तो आप देखेंगे कि ये एक वेल्ड्रेन सॉइल बन गई, और इसको जो होना है, एक हिस्सा कंपोस्ट में जो मैंने डाला है वो है किचन वेस्ट कंपोस्ट, और थोड़ी सी कोकोपीट, और थोड़ी क्या बोलते हैं ये वर्मी कंपोस्ट, थोड़ी सी कोकोपीट, थोड़ी सी किचन वेस्ट कंपोस्ट, और थोड़ा काउडंग, ये मिला के एक हिस्सा रेत, और एक हिस्सा मिट्टी, और एक हिस्सा धान का चावल का ये। सो फ्रेंड्स, चलिए अब मैं इसको फिल कर लेती हूँ। ये देखिए, इस तरह से फिल कर लीजिए आप। अगर आप न्यू हैं तो, अगर आप मतलब करते हैं गार्डनिंग, तो आपको मालूम ही होगा कि इसको थोड़ा ऊपर लाना पड़ता है। ये देखिए, इस तरह से इतना आधे से थोड़ा ज़्यादा भर लिया है मैंने, और अब मैं इसको धीरे धीरे एक एक करके, ये देखिए फ्रेंड्स, आप ऐसी इतना तो हो, इसमें सूट नहीं, थोड़ी थोड़ी आ रही है, ये सबसे पुअर है समझो, लेकिन इसमें भी रूट आ रही है। ये देखिए, इसमें भी शूट आ रही है, थोड़ी बारीक आप देखेंगे। ये देखिए, दिख रहा है आपको, इसमें भी थोड़ी सी शूट है ना, ये देखिए थोड़ी सी रूट आ रही है इसमें, तो आप देखिए, ये देखिए दिख रहा है आपको, ये देखिए। तो आप वैसे नहीं ले, आप अगर बड़ा वाला जो रहता है कट्टा, हमारे पास एक, इसको इस तरह से लगाते जाएंगे, इस तरह से देखिए, ये देखिए, ये कितनी सारी शूट है इसमें, रूट देखो, रूट और शूट दोनों है इसमें। ये देखिए फ्रेंड्स, ये शूट भी है, और ये देखिए ये रूट भी है। ये 8 दिन मैंने ग्लास में, कांच के गिलास में पानी भर के और रखा हुआ था, तो इसमें शूट आ गई है। देखिए,
और आप भी इसको वैसे मत लगाइए, वैसे मत लाइए, अगर जिसमें थोड़ी थोड़ी रूट रहती है, देखो थोड़ी थोड़ी रूट रहती है इस तरह की, ये देखिए इस तरह की लाएंगे तो आपको वो अच्छी होती है और जल्दी जल्दी शूट आना शुरू हो जाती है, स्प्राउटिंग भी जल्दी करती है। सो पानी में आप 8 से 10 दिन के लिए लगा दीजिए। ये मेरे ख्याल से लगा देती हूँ, आ जाएगा। ये थोड़ा सा टूटा हुआ है, इसको भी लगा देती हूँ, फ्यूचर में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो निकाल के फेंक देना, फेंक सकते हैं अगर नहीं आए तो। इस तरह से इसको लगाना है, ये देखिए एक एक करके थोड़ी थोड़ी दूर पे लगा दीजिए आप, थोड़ी थोड़ी दूर पे एक एक लीजिए और थोड़ी थोड़ी दूर पे लगा दें आप। रूट को थोड़ी कुछ परेशानी ना हो, हल्के से लगाइए आप, मैं भी ऐसी हल्के से लगा रही हूँ, देख के थोड़े थोड़े दूर पे लगा दीजिए आप। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आप लगाएंगे, थोड़े दिनों में देखेंगे आप कि अच्छे से इसकी स्प्राउटिंग शुरू हो गई है और ये अच्छे से पुदीना आने लगा है इसमें। थोड़े दिन में देखेंगे तो आप पुदीना आने लगेगा, क्योंकि ये शूटिंग तो शुरू हो ही गई इसकी। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आप लगा दीजिए पूरे जितने भी आपके पास हैं सारे, क्योंकि मैं तो इसी तरह से पुदीना उगाती हूँ। ये देखिए, ये हर में थोड़ा थोड़ा शूट है, रूट है तो शूट तो अपने आनी ही आनी है, रूट है तो आप भी ऐसा देख के लाइए। हमें बहुत बार ऐसा होता है कि उसमें सिर्फ डाली डाली होती है, एक भी रूट नहीं होती है। अब ये देखिए, आप इसको फिल कर दीजिए इस तरह से, ये देखिए फिल करके थोड़ा सा इसको हिला देंगे, ये देखिए थोड़ा सा इसको, ये देखिए ये सही नहीं है, इसमें कोई शूट रूट नहीं है, फेंक देंगे इसको। और इसमें रूट और शूट दोनों नहीं है वो हटा देंगे वो कोई, ये देखिए इसमें शूट और रूट दोनों भी है तो इसको यहाँ पर लगा देंगे जहाँ जगह दिख रही है थोड़ी बहुत। ये देखिए अब इसको और फिल कर देंगे, इसको और फिल कर देंगे थोड़ा, उसके बाद हम पानी देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए ये पूरी थोड़ा इसको ऐसा करके हिला देना, क्योंकि इसके एयर पॉकेट्स जो रहते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। थोड़ा सा पुश कर देंगे, थोड़ा दबा देंगे इसको, उसके बाद पानी डाल देंगे इसमें। देखिए फ्रेंड्स, इधर हटा देंगे इसको, पानी जब तक डालते रहें आप, जब तक नीचे से ना निकल जाए।
ये वेल डन सॉइल है फ्रेंड्स, आप भी ऐसा, मेरा तो नाम ही वो है इकोनॉमिक गार्डनिंग। तो फ्रेंड्स, मैं हमेशा इकोनॉमिक तरीके से बताती हूँ आपको, क्योंकि मिट्टी की अगर आपको परेशानी है तो आप ये रेत तो कहीं भी कंस्ट्रक्शन की मिल जाती है। और इसकी असल क्या है कि ये जो चावल के धान है ये भी मिल जाते हैं आसानी से, गांव में तो बहुत जल्दी मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है कि वो उसके यहाँ रहते हैं आइस वाले के, तो मैं लेके आ जाती हूँ। सो फ्रेंड्स, अब बताऊंगी मैं इसमें जब पूरी तरह से, अभी तो कम शूटिंग आई है, मैंने पानी में डाला था इसको 8-10 दिन, उसके बाद रूट और शूट दोनों भी आई है। अभी मैंने इसमें मिट्टी में डाला है, तो अब इसको गोबर खाद और वर्मी कंपोस्ट हर चीज़ मिल गई है, तो अब और अच्छा ग्रो करेगा। सो बाद में मैं बताऊँगी कि क्या हुआ है, इसका अपडेट दूँगी। सो फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स।